सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं व्लॉग आज सीधा रेडी होकर स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया। मेरे को निकलना था यहाँ से 9:30 बजे। मेरे दोस्त के भाई की हल्दी है इसलिए मैंने ऐसे येलो येलो पहना है। तो मेरे को निकलना था 9:30 बजे, इसका मतलब मेरे को बहुत सुबह उठना था, तो वो थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो इसलिए मैं सोचा मैं सीधा रेडी होकर ही व्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो अभी बस मैं निकल रही हूँ, पापा का वेट कर रही हूँ। पापा गए हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, पापा आ जाएंगे ड्रॉप मेरे को। वो ड्राइव कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, वो नहीं माने। वैसे तो डॉक्टर ने उनको 1 हफ्ते के बाद बोल दिया था कि हाँ आप ड्राइव कर सकते हो, बट मेरे को था थोड़ा आराम से करें क्या जरूरत है, बट आज कोई ऑप्शन नहीं है तो आज वही करेंगे। वैसे मेरे को जाना था शादी में बट ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया बिकॉज रात को फिर मैं जाती पापा ठंड में ड्राइव करें, इससे अच्छा मैं हल्दी में होकर आ जाती हूँ। तो श्रद्धा अगर आप ये ब्लॉग देख रही हो तो प्लीज सॉरी, मैं सॉरी बोल चुकी हूँ बहुत बार, बट कोई बात नहीं। दुख तो मेरे को भी हो रहा है कि मेरा शादी का खाना छूट रहा है, बट मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे को दुख है कि शादी का मेरा खाना छूट रहा है, बट मैं नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ कॉम्प्रोमाइज। मैं कोई बात नहीं। खाने से याद आया, मम्मी यूजुअली लोग ना शादी से जाने से पहले ना खाना वाना नहीं खा के जाते, बट मेरी मम्मी ने मेरे को ब्रेकफास्ट करा दिया तो मैं थोड़ा ना ऐसे टहल रही हूँ ताकि मेरा ऐसे ब्रेकफास्ट पच जाए। मजाक कर रही हूँ, मेरी बातों को सीरियस मत लेना। तो चलो अब चलते हैं। मैंने आज मेरे को येलो कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हल्दी में येलो ही पहनना होता है इसलिए येलो पहना हुआ है। बिंदी भी लगाई है मम्मी की, तो आज मैं वैसे मम्मी सेम लग रहे होंगे। मम्मी कैमरा में नहीं आना चाहती क्योंकि मम्मी रेडी नहीं हुई है, बहुत सुबह सुबह का टाइम है, अदरवाइज हम सेम लग रहे हैं। क्यों मुंह क्यों बना, मुंह बनाती है मेरी मम्मी, बहुत ज्यादा मुंह बनाती है। घर का काम बताऊं, मैं घर का काम मम्मी ने ना कुक रख लिया है, देख रहे हो तुम लोग। अब क्या काम है घर का, अब क्या काम बचा, झाड़ू पोछा हो रहा है, खाना बन रहा है, क्या काम बचा। अब मेरे कुछ नहीं बोलना चाहती मैं, चलो मिलते हैं सीधा। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, बट मेरा मेन काम बचा है लिपस्टिक लगानी, अदरवाइज उसके बिना तो पूरा फेस बहुत अधूरा सा लगता है। बट आपको पता है कि विंटर्स की वजह से या फिर बहुत कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस की वजह से हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं या फिर थोड़े से ब्लैक दिखने लग जाते हैं, इसलिए कभी भी कोई भी लिप प्रोडक्ट लगाने से पहले मैं यूज करती हूँ नाम्या का लिप किट। सबसे पहले मैं यूज करती हूँ नाम्या का लिप स्क्रब। जैसे हम फेस स्क्रब करते हैं वैसे लिप स्क्रब बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट जो भी डेड स्किन है, सो दैट हमारे लिप्स जो ड्राई हो रखे हैं वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी इसका लिप स्क्रब। इसको हम किसी भी कॉस्मेटिक एप्लीकेशन से पहले या फिर बाद में यूज कर सकते हैं ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करे। इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं फर्मेंटेड आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई एंड लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट। ये हमारे लिप्स को हील रिपेयर करता है, जो भी डैमेज हमारा स्मोकिंग या फिर कॉस्मेटिक एप्लीकेशन से होता है ये सबको रिपेयर करता है। प्रॉपरली स्क्रब करके उसके बाद मैं इसको टिश्यू से वाइप कर लूंगी। स्क्रब के बाद मैं लगाऊंगी नाम्या का लिप सिरम। ये हमारे लिप्स को थोड़ा पिंक एंड प्लम्प लुक देगा, तो इससे हमारा जो लिपस्टिक एप्लीकेशन होगा वो थोड़ा बेटर होगा। थोड़ा सा वेट करेंगे सो दैट अब्सॉर्ब हो जाए अच्छे से, एंड देन मैं अपनी लगाऊंगी लिपस्टिक। तो मेरा ये लिप केयर रूटीन है, अगर आपको भी ऐसे हेल्दी और पिंक लिप्स चाहिए तो मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, फटाफट से जाओ और मंगाओ अपने लिए भी सेम लिप केयर किट। येलो 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 येलो, पहली बार येलो कलर मुझे किसी पे अच्छा लग रहा है, अदरवाइज आई हेट येलो कलर। थैंक यू। मम्मी ने मेरे को 23 साल में पहली बार बोला तेरे को किसी की नजर ना लगे। वाह भाई साहब, लगा दिया क्या, लगाया नहीं लगाया? लग जाएगी तो लग जाएगी, आई डोंट केयर, लगा दो नजर मेरे को। में आ जाए काम, गिर मत जियो। ये श्रद्धा है, इसके भाई की नहीं है, इसकी नहीं है, देख के लग रहा है। ये क्या पहना है, दिख नहीं रहा, ये रिच पीपल पहनते, मेरे को नहीं पता। बट बहुत सुंदर कहां गई थी टोन या आवाज, कौन सी टोन, ये अंदर शर्म आ रही थी मेरे को, ये सिर्फ बाहर निकलता है, बार बुलाया व्लॉग बनना फिर जा अंदर। मैं गिफ्ट लाई हूँ तुम्हारे लिए, चाहिए नहीं? हाँ रिच पीपल एक्सेप्ट नहीं करते गिफ्ट, हमारे यहाँ होगा तो बच्चे इकट्ठे करते हैं, दे 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 दे। बट सुंदर लग रही है, मैं दीदी का दूसरा वाला धागा ये तो ऐसे है। शादी का खाना मिस कर रही हूँ, अरे आ
इसने पता है मेरे को इंट्रोड्यूस कैसे करवाया लोगों से यार, इसके ब्लॉग दिखाया था ना मैंने, अच्छी चीज है बुरी चीज है नहीं, तरीका है कोई जा, चल तेरी वो हो रही है, जा तेरा सर मिनट ठीक है अभी आ रहे 2 मिनट बाय। तीन चार और भटूरे ले लेती, भटूरे नहीं है वो, सॉरी मुझे सॉरी कभी खाया नहीं ना अच्छी जगह के पापा है, नहीं नहीं तो कोई और है, क्यों नदी का क्यूट, वेरी क्यूट मम्मी पापा ऐसे डांस नहीं करते, शर्म आती है लोग देख के तो लगता है कि करते होंगे क्या डांस, हां या प्लीज नहीं करते, नहीं क्यूट है वो नदी पूरी बदल आती है सिर्फ वीडियो में सिर्फ हमारा डांस होगा, बहुत ऐसे वेट कर गिफ्ट दिया उसके मम्मी ने देखो, वाह थैंक यू बेटा, आंटी को थैंक यू, ओह सॉरी खोलो ना मैं कहते उसका वो, हां हां वैसे नहीं करो बिच्छिया बोलते हैं ना वो, मेरे लिए हां तो क्या मैरिड पहनती है ना, अनमैरिड पहनती है ना, थैंक यू, तेज आवाज ही निकल रही मुंह से क्या तेज बोलो, थैंक यू धन्यवाद, इसमें मेरे पॉकेट में नहीं आ सकती है, इसमें मेरी पॉकेट में नहीं आ सकती है। तो हल्दी से आने के बाद मैं सो गई थी मतलब एक दो घंटा एंड अभी ना आपने मेरे परसों वाले व्लॉग में देखा होगा जब मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड वहाँ से जब आई थी तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी हंसी मजाक में कहा था कि मेरा नाम आशिमा लिखा हुआ है क्योंकि मेरा नाम यूजली लोग अनीशा या आशिमा प्रोनाउंस करते हैं, गलत सुन लेते हैं देन गलत लिख देते हैं बहुत बार, स्कूल टाइम से मेरा नाम लोग मतलब अमीशा है ना तो अनीशा या फिर ऐसा कुछ करते थे तो मुझे लगा सच में ऐसा होगा एंड मेरी एज 23 है तो वो 43 गलत टाइप कर दिया क्योंकि वो कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी उस टाइप पे, लोगों ने कमेंट भी किया कि एक बार ना दवाई तभी खाना जब वो हो तो, और उन्होंने ना मुझे एक एक मेडिसिन ना समझाई भी थी कि ये इसलिए है तो मुझे नहीं डाउट था कि गलत मेडिसिन होगी सही ही होगी, बट फिर पापा ने भी बोला कि नहीं एक बार कंफर्म करो तभी खाना, वैसे तो मैं एक दिन दवाई खा चुकी हूँ, तो मैंने उन्हें कॉल किया कि आशिमा नाम की कोई पेशेंट आई थी क्या मेरे से पहले, तो उन्होंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला मे बी सिर्फ नाम उनका रह गया होगा एंड दवाई आपकी होगी या फिर कुछ और भी हो सकता है तो एक बार आप आ जाइए, तो अभी मैं जा रही हूँ पापा के साथ, मैंने दिखा दिया डॉक्टर को, उन्होंने बोला जो काउंटर से प्रिस्क्रिप्शन जब हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो पहले काउंटर पे वो टाइप करके देते हैं पेज पे, तो उन्होंने मेरा नाम गलत लिखा था, अंदर तो मेडिसिन उन्होंने मेरे सामने लिखी, वही मुझे था कि उन्होंने मुझे एक एक मेडिसिन समझाया है तो गलत नहीं हो सकती,
तो काउंटर वाले की गलती थी और ये बात उसने वो मुझे फोन पे भी बोल सकते थे कि मेरे से गलती हुई है, उन्होंने अननेसेसरी का बुलाया, बट ठीक है मेडिसिन ठीक है और माइंड से डाउट भी क्लियर हो गया। तो अब हम घर जा रहे हैं। चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट्स। बाय।